हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। इस वीडियो को आप उनके चैनल पर भी देख सकते हो इंग्लिश में विद इंग्लिश सबटाइटल। पर अगर आपको अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को हिंदी में सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अल्ट्रा वेजिटो के प्रीवियस चैप्टर का स्पॉइलर है दोस्तों। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लाइट नाम का एक वॉरियर आ जाता है एंड उसके बीच एंड हमारे हीरोज़ के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। आज हम जानेंगे कि इससे आगे क्या हुआ। स्पॉइलर के शुरुआत में हम देखते हैं कि हर तरफ धूल ही धूल होती है एंड हमें कुछ भी नहीं दिख रहा होता। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें लाइट दिखता है। हम देखते हैं कि लाइट थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है एंड लाइट बोलता है कि ये तो काफ़ी अजीब है। मुझे लगता है कि मैंने उन दोनों को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। मुझे नहीं लगता कि वो सेरेबियम फॉर्म यूज़ करने वाला यहाँ से कहीं गया रहेगा। तभी हम देखते हैं कि एकदम से लाइट के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है एंड लाइट के मुँह से खून निकल रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि एक वॉरियर आकर लाइट को एक ज़बरदस्त पंच मारने में कामयाब हो जाता है एंड इस पंच को खाने के वजह से लाइट के मुँह से काफ़ी सारा खून निकल रहा होता है। एंड ये पंच इतना तेज़ी से आया हुआ होता है कि लाइट को तो पता भी नहीं चलता कि आखिर उस वॉरियर ने कब लाइट के ऊपर ये ज़बरदस्त पंच मार दिया। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि आखिर लाइट को पंच मारने वाला वॉरियर था कौन। हम देखते हैं कि ये यामोशी होता है एंड हम देखते हैं कि यामोशी की आँखें येल्लो कलर की होती है, यानी कि यामोशी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका है पिरामिड ऑफ पावर में ट्रेनिंग करने के वजह से। हम देखते हैं कि ये पंच इतना ज़बरदस्त होता है कि लाइट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पीछे खिसक रहा होता है। पर इतना ज़बरदस्त पंच खाने के बावजूद हम देखते हैं कि लाइट अपने पैरों पे ही खड़ा होता है एंड लाइट अभी भी ज़मीन पे नहीं गिरा होता। जैसे ही हम देखते हैं कि लाइट अपने आप को संभालता है यामोशी के उस पंच से, वैसे ही हम देखते हैं कि लाइट के पीछे कोकू आ जाता है एंड इस चीज़ को लाइट भी नोटिस कर लेता है। लाइट को भी समझ में आ गया रहता है कि उसके पीछे कोकू आ चुका है एंड हम देखते हैं कि कोकू भी एक अटैक करने वाला होता है लाइट के ऊपर एंड गोकू अपने फुल सेरेबियम फॉर्म का यूज़ कर रहा होता है लाइट के सामने। एंड गोकू बोलता है कि इसे रोकने की कोशिश करो लाइट। एंड जैसे ही गोकू ऐसा बोलता है, इसके नेक्स्ट पेजेस पे हम देखते हैं कि लाइट हंस रहा होता है एंड लाइट के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ चुकी होती है। एंड लाइट बोलता है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुमने अपनी एनर्जी को मिक्स कर दिया है। एंड जैसे ही हम देखते हैं कि लाइट का ये सेंटेंस ख़त्म होता है, वैसे ही हम देखते हैं कि गोकू एक ज़बरदस्त पंच मार देता है लाइट को। पर हम देखते हैं कि गोकू का वार खाली चला जाता है एंड लाइट गोकू के अटैक से बच जाता है एंड गोकू के सेरेबियम फॉर्म में होने के बावजूद लाइट गोकू के इस अटैक को डॉज कर देता है, जिसके वजह से गोकू को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ अभी हुआ क्या। एंड गोकू बोलता है कि क्या आखिर वो कहाँ पर चला गया, क्या वो अभी भी मुझे कंट्रोल कर रहा है, क्या उसके वजह से मैं स्लो हो चुका हूँ, क्या उसके वजह से मेरी स्पीड कम हो चुकी है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम लाइट को देखते हैं। हम देखते हैं कि लाइट गोकू के साइड पर आकर खड़ा हो जाता है एंड लाइट बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारी स्पीड को स्लो डाउन नहीं किया है, ये बस तुम्हारी खुद की बेकार स्पीड है। तुम एंजल्स की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो एंड तुम इसे स्पीड कहते हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है कि तुमने एंजल्स के ताकतों को पॉल्यूट करना स्टार्ट कर दिया है अपनी खुद की ताकतों को उसके साथ मिक्स करके। चलो कोई बात नहीं, तुम दोनों को अकेले हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे। चलो इस फाइट को और भी ज़्यादा धमाकेदार बनाते हैं एंड अब वक्त आ चुका है कि इस फाइट में थोड़ा मज़ा किया जाए। वैसे काफ़ी सालों से मैंने इस तरीके की बैटल नहीं की है, इसी तरीके की बैटल की मैं उम्मीद कर रहा था इतने सालों से। इसके बाद हम देखते हैं कि लाइट अपने ही हाथ में एक अटैक बना लेता है एंड वो एक एनर्जी अटैक शूट करने वाला होता है यामोशी एंड गोकू के ऊपर। इसके बाद हम लाइट के दूसरे हाथ को भी देखते हैं। हम देखते हैं कि लाइट अपने दूसरे हाथ में भी एक अटैक बना लेता है एंड वो भी एक तरीके का एनर्जी अटैक ही होता है। ऐसा लग रहा होता है कि लाइट अपने लाइट शो से इस पूरे बैटल को कलरफुल बनाने वाला है। इसके बाद हम यामोशी को देखते हैं। हम देखते हैं कि यामोशी बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है एंड यामोशी कुछ भी नहीं बोल रहा एंड यामोशी को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि यामोशी को पता है कि उसे क्या करना है एंड यामोशी इसके बाद बोलता है कि तैयार हो जाओ क्या करोट, हम उसके अटैक को अपने तरफ आने नहीं दे सकते एंड हम नहीं चाहते कि उसके अटैक्स हमें हिट करे। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू भी तैयार हो जाता है
एंड कोकू यामुशी से बोलता है कि यामुशी, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी ज़रूर कोई टेक्निक होगा जो कि उसके टेक्निक का सामना कर सके, क्योंकि मेरे पास एक टेक्निक है जो कि लाइट के अटैक का सामना कर सकता है। इसके बाद हम लाइट को देखते हैं, हम देखते हैं कि लाइट अपने हाथ में एक अटैक बना लेता है एंड वो इस अटैक को शूट करने वाला होता है कोकू एंड यामुशी के ऊपर। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यामुशी भी एक अटैक बना लेता है, हम देखते हैं कि यामुशी भी अपने हाथ में एक अटैक बना लेता है एंड यामुशी भी ये अटैक लाइट के ऊपर शूट करने वाला होता है एंड यामुशी के इस अटैक का नाम होता है डिवाइन डिस्ट्रक्शन। एंड ऐसा लग रहा होता है कि लाइट एंड यामुशी दोनों ही अपने फुल ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इन दोनों अटैक्स में। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम हमारे हीरो गोकू को देखते हैं, हम देखते हैं कि गोकू भी अपना सिग्नेचर अटैक बनाने लग जाता है एंड हम सबको पता है कि गोकू का सिग्नेचर अटैक क्या है, खामे हामे हा। हम देखते हैं कि गोकू अपने हाथ में खामे हामे हा बनाने लग जाता है एंड गोकू को भी देखकर ऐसा लग रहा होता है कि गोकू भी अपने फुल एनर्जी का यूज़ कर रहा है इस अटैक में एंड ये खामे हामे हा शायद गोकू का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट खामे हामे हा होगा। हम देखते हैं कि तीनों ही वॉरियर्स अपना अपना अटैक शूट कर देते हैं एंड जैसे ही उन तीनों वॉरियर्स के अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं, हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके वजह से हर तरफ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होता है, ज़मीन फट गई रहती है एंड हर जगह से धुआं निकल रहा होता है एंड चारों ओर धूल ही धूल होती है एंड हमें दिख नहीं रहा होता कि आखिर ये तीन वॉरियर्स गए तो गए कहाँ। एंड जैसे ही धूल हटने लगती है हम एक वॉरियर को देखते हैं एंड इस वॉरियर को देखकर आप समझ ही गए रहोगे कि ये कौन है। हम देखते हैं कि ये यामुशी होता है एंड यामुशी हाफ रहा होता है एंड इसके नेक्स्ट पेज जिसमें हम गोकू एंड यामुशी को देखते हैं, हम देखते हैं कि यामुशी एंड गोकू दोनों ही अपने घुटनों पर बैठे हुए होते हैं। दोनों ने अपने लास्ट अटैक में इतना ज़्यादा एनर्जी का यूज़ किया हुआ होता है कि दोनों ही खड़े नहीं हो पा रहे होते, पर हमें लाइट कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता एंड ऐसा लग रहा होता है कि यामुशी एंड गोकू ने मिलकर लाइट को हरा दिया। हम देखते हैं कि गोकू भी हाँफ रहा होता है क्योंकि गोकू ने भी अपनी फुल एनर्जी का यूज़ किया था अपने लास्ट अटैक में एंड गोकू हाँफते हुए यामुशी से बोलता है कि यामुशी, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता पर मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ सही चल रहा है, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो हमारे साथ खेल रहा है एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो उस एनर्जी ब्लास्ट को और भी ज़्यादा ताकतवर बना सकता था अगर वो चाहता तो। इसके बाद हम यामुशी को देखते हैं, हम देखते हैं कि यामुशी गोकू से बोलता है कि हाँ वो ऐसा कर सकता था, मैंने इस बच्चे की ट्रू पावर को देखा है और मेरा विश्वास मानो कैकारोट, वो हमारे साथ खेल रहा है कब से, जैसा कि कोई बच्चा अपने खिलौने के साथ खेलता है, पर वो ज़्यादा देर ऐसा नहीं कर पाएगा अभी या थोड़े देर बाद उसको अपने ट्रू पावर को तो दिखाना ही होगा एंड वो ज़्यादा देर के लिए हमसे अपने ट्रू पावर को छुपा कर नहीं रख सकता एंड उसके ट्रू पावर का सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरे पास अभी भी कुछ ट्रिक्स पड़े हुए हैं जिनका मैंने अभी तक इस बैटल में इस्तेमाल नहीं किया है एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास भी कुछ ट्रिक्स पड़े हुए होंगे जिनका तुमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। यंग से यंग मैं अब सीरियस होने वाला हूँ एंड अगर तुम मेरे लेवल को मैच नहीं कर सकते हो तो बस मुझे कवर करो, पर तुम ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें बचाने वाला हूँ, इसके लिए तुम वेजिटो से उम्मीद कर सकते हो। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, हम देखते हैं कि गोकू के चेहरे पर एक स्माइल आ चुका होता है एंड गोकू बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे वेजिटो या तुम्हारी ज़रूरत नहीं है एंड इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।